हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको मेरे वीडियो देखने मिलेंगे सबसे पहले, वो भी फ्री में। और अगर आपको मेरी सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो कॉमेक्स, एमसीएक्स और निफ्टी के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कल गोल्ड एक काफी अच्छा ड्रॉप आया फाइड के स्टेटमेंट के बाद, फिर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि फाइड एक रेट कट करेगा, कल रात एक रेट कट आ चुका है। मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि रेट कट आएगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। गोल्ड नीचे गया, डाउ जोन्स ऊपर गया, बट अभी भी गोल्ड प्रेशर में चल रहा है। और कल फेड के चेयरमैन ने ऑलरेडी एक सिग्नल दे दिया है कि शायद अब कोई और रेट कट ना हो इस साल। वैसे भी 3 महीने ही बचे हैं तो शायद हो सकता है कि इस साल कोई और रेट कट ना हो फेड की तरफ से, जिसकी वजह से डाउ जोन्स पे भी वापस से प्रेशर आया स्टेटमेंट के बाद। और अभी भी डाउ जोन्स प्रेशर में चल रहा है, इनफैक्ट अपनी निफ्टी भी प्रेशर में चल रही है उसकी वजह से। अभी फिलहाल $1495 चल रहा है। चलिए आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1503। गोल्ड का सपोर्ट है आज का $1482। ध्यान रखिएगा, 1503 अगर क्रॉस किया मार्केट ने और सस्टेन किया तो 1510 1520 जा सकता है। 1482 के नीचे सस्टेन किया तो मार्केट वापस से और वीकनेस दे सकता है और मंदी आ सकती है, 1470 तक की मंदी देख सकते हैं। चलिए सिल्वर देखते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, कल इस पे भी एक क्रैश आया था लेकिन अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, 1770 के आसपास चल रहा है। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 1795 का। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 1750 का। ट्रेंड सिल्वर और गोल्ड दोनों का वीक ही है तो ध्यान रखिएगा, बाइंग करने से पहले थोड़ा सा सोच लें और अच्छा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करें। फिलहाल ट्रेंड वीक है, ना ही मैंने क्लाइंट्स को बाइंग की है, ना ही खुद बाइंग की है, ना ही सेलिंग भी। इनफैक्ट मेरा कोई ट्रेड ही नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था फेड के आसपास हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं। चलिए क्रूड ऑयल देखते हैं। यह है क्रूड ऑयल, अभी भी 58-30 के आसपास चल रहा है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 59.50 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 57.50 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी भी वीक ही है तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सेलिंग ना बाइंग ना करें जब तक 59.50 क्रॉस नहीं होता है। चलिए एमसीएक्स में देख लेते हैं। एमसीएक्स में गोल्ड का रेजिस्टेंस है 37,750। गोल्ड का सपोर्ट थोड़ा नीचे है 37,370 का। एमसीएक्स सिल्वर चल रही है 46,250। एमसीएक्स सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 46,720। सिल्वर का सपोर्ट थोड़ा डीप है 45,700 का। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है 4,250। एमसीएक्स क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 40,90। कॉपर का सपोर्ट है 443। कॉपर का रेजिस्टेंस है 449.20। कॉपर का ट्रेंड भी वीक ही है। निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे चल रही है ऑलरेडी। निफ्टी का सपोर्ट है आज का 10,670। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 10,830। निफ्टी का ट्रेंड भी वीक ही है। ये हो गया आज का ट्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरी सर्विस लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोई का सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट करें। कल वापस से अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।